वालेकुम एवरीवन, सो वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के इस वीडियो में हम क्रंच नहीं, पहले हम उसे ब्रोक करेंगे, फिर हम क्रंच करेंगे अपने क्ले पॉट, जो ग्लास का कुल्लड़ था हमारा, उसको हम अच्छे से ब्रोक करेंगे, फिर हम उसका क्रंच करेंगे। तो गाइस, वीडियो स्टार्ट करने से पहले मैं आप लोगों को बता दूँ कि ये जो हमारी होने वाली है सिर्फ क्रंच वीडियोज़ होने वाली है, इसमें स्वेलो कुछ भी नहीं होगा। हम उसे क्रंच करके सिर्फ स्पिट करने वाले हैं, स्वेलो कुछ भी नहीं होता है। मैं एक बार फिर बता रही हूँ, ये सिर्फ क्रंच वीडियोज़ होती हैं, हम उसे क्रंच करके स्पिट कर देते हैं। और वीडियो स्टार्ट करने से पहले अगर आप मेरे यूट्यूब चैनल पर नए हैं तो वीडियोज़ को लाइक शेयर एंड कमेंट ज़रूर से कर दिया करिए, और चैनल को सब्सक्राइब करके ज़रूर जाइएगा, और हो सके तो प्ले लिस्ट ज़रूर चेक कर लिया करिए। आइए पहले हम उसे ब्रोक कर लें। सॉफ्ट हो जाएंगे तो खाने में हमें आसानी होगी। माइक नहीं लगाया क्योंकि माइक लगाया तो अजीब सी, माइक थोड़ा बहुत मिलता है तो अजीब सी भर सी आवाज़ आने लगती है, तो मैंने कहा ऐसे ही ज़्यादा सही है, ऐसे में ज़्यादा अच्छी आवाज़ आएगी।
जबान भी ऑरेंज से कलर की हो गई हो। तो गाइस मैंने पूरा क्रंच किया है सिवाय ये जो एकदम नीचे का जो रहता है ना उसका हिस्सा जो कुछ भी कहते हो ग्लास केज का, बहुत ज़्यादा हार्ड था और देखो कितना ज़्यादा मोटा है, तो टूट नहीं रहा था इसलिए इसे बस छोड़ के बाकी मैंने पूरा का पूरा क्रंच किया है। सिर्फ क्रंच किया है, स्वेलो कुछ भी नहीं था। मैंने वीडियो के स्टार्टिंग में ही बता दिया था कि स्वेलो कुछ भी नहीं होता है मेरी वीडियोज़ में, सारी क्रंच वीडियोज़ होती हैं। आप लोग मेरी वीडियोज़ का देखा करें, साउंड इन्जॉय किया करें ज़्यादा, वो तो बस क्रंच किया करें, स्वेलो बिल्कुल भी ना किया करें, ये बहुत ज़्यादा हार्मफुल होती है खाने के लिए। और आज के लिए बस इतना ही, थैंक्स फॉर वॉचिंग, मिलते हैं अगली वीडियो में। आई होप आप लोग वीडियो पसंद आया होगा, तो वीडियो को लाइक शेयर और कमेंट प्लीज़ 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 कर दीजिएगा और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। थैंक यू, बाय।